नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा शिव सिंह सेंगर, उनकी जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। शिव सिंह सेंगर, पूरा नाम है इनका शिव सिंह सेंगर, जन्म इनका हुआ था 1833 उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु इनकी हुई थी 1878 में। पेशे से ये एक पुलिस इंस्पेक्टर थे। संस्कृत, फारसी और हिंदी कविता के अध्ययन में गहरी रुचि होने के कारण ये एक बहुत अच्छे कवि भी बन गए। बहुत ही अच्छा कविता इन्होंने लिखी है। संक्षिप्त में जीवन परिचय, शिव सिंह सेंगर का जन्म 1833 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के काथा नामक गांव में एक जमींदार परिवार के यहां पे हुआ था। इनके पिता का नाम रंजीत सिंह था। शिव सिंह सेंगर पेशे से पुलिस इंस्पेक्टर थे, फिर भी संस्कृत, फारसी और हिंदी कविताओं के अध्ययन में उनकी गहरी रुचि थी और वे स्वयं भी कवि थे। उन्होंने ब्रह्मोत्तर खंड और शिव पुराण का हिंदी में अनुवाद किया। विशेषता, सेंगर जी की सबसे अधिक ख्याति शिव सिंह सरोज नामक संग्रह ग्रंथ की रचना के कारण है। इस ग्रंथ में हिंदी के लगभग 1000 साल के कवियों के जीवन और काव्य का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। ग्रंथ का प्रकाशन समय था 1877 से 1883 1883 इसी के बीच माना जाता है। एक अलग तरह की प्रथम रचना होने के कारण इनमें कवियों के जीवन काल आदि की कुछ विसंगतियां बताई जाती है। शिव सिंह सरोज हिंदी कविता के इतिहास के लिए आज भी संदर्भ ग्रंथ माने जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।